दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन श्रृंखला पर हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपके बीच में हर रोज हम सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी कोर्सेज बन रहे हैं हर एक कोर्स को हम रिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी परीक्षा को अगर देखा जाए तो 30 से 35 दिन शेष बचे हुए हैं। अब 30 से 35 दिन आपका एक ही कार्यक्रम होना चाहिए कि आपने अभी तक जितनी चीजों को पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करें, है ना। देखिए अगर हम सात सब्जेक्ट आपके हैं अगर सातों सब्जेक्ट आप पांच पांच दिन देते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर पाएंगे। आपने जितना पढ़ा है जो भी पढ़ा है आप रिवीजन क्लास को देखिए। बाकी चीजें जो अगर कोई डीपली आपको पढ़ा रहा है तो वो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो अगर आप पांच पांच दिन रिवीजन कर लेते हैं तो आपका अगर कोई चीज नहीं पढ़े होंगे तो रिवीजन क्लास में वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने टोटल पढ़ लिया है तो रिवीजन क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास तो होगी ही, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम अपने आते हैं सिलेबस पर, जैसा कि आपके बीच में कुछ लिखा भी गया है और जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं हम आपको बताते हुए चलेंगे। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज वीडियो के लास्ट में जाइए, ठीक है। आप वीडियो को देखते हुए चलिए, जहां आपको ना समझ में आए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कहना चाहूंगा कि आपका फीडबैक मेरे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर कोई भी क्लास यहाँ से आपको दी जा रही है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस बात को आप मुझे बता दीजिए, अन्यथा किस स्थिति में मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। तो चलिए देखिए आपके बीच में मैंने लिखा है सबसे पहले अपवर्तक क्या होता है, मीन्स अगर कहा जाए हम डिविजर किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभार आपसे डायरेक्टली परिभाषा ही पूछ लेता है कि हम अपवर्तक किसे कहेंगे, है ना। डिविजर तो नहीं पूछता है, जैसे इंग्लिश वर्ड तो कम यूज करता है, लेकिन कभी कभी कोई एग्जामिनर होता है जो डायरेक्टली पूछ लेगा कि डिविजर किसे कहते हैं, है ना। तो आपको दोनों चीजों को याद रखना है कि डिविजर का मतलब ही अपवर्तक होता है ना। खुदा न खास्ता आपको डिविजर याद है अपवर्तक नहीं याद है ना, तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। और अगर अपवर्तक याद है डिविजर नहीं याद है तब भी आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज करते हुए आगे चलें, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है वह संख्या, ठीक है, वह संख्या या इसे हम व्यंजक कह सकते हैं जो किसी दी हुई संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित कर दे, अथवा जो है कर दी गई संख्या अथवा जो है व्यंजक का अपवर्तक कहलाता है ना। आप एक शब्दों में कह सकते हैं वह संख्या या व्यंजक जो किसी दी हुई संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है, या ठीक है दी गई संख्या जो विभाजित करता है उस संख्या का क्या कहलाता है अपवर्तक कहलाता है, मीन्स आप कह सकते हैं डिविजर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि रूप में यहां देख सकते हैं, देखिए अगर आपको यह परिभाषा नहीं याद हो रही है तो आप जो है अर्थ जैसे इसके जैसे से आप समझ सकते हैं कि अब इसका मतलब क्या हो सकता है ना। अगर हम एक शब्द में कहें तो 20 का अपवर्तक, अगर हम आपसे पूछे 20 का अपवर्तक क्या हो सकता है तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। जैसे अगर इसके अपवर्तक की बात करें तो यहां देख सकते हैं इसका अपवर्तक सबसे पहले एक होगा, ठीक है। अब अपवर्तक का मतलब वही होगा जिससे 20 पूरी तरह से विभाजित हो जाए वही इसके अपवर्तक होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कहें एक, तो आपका एक है, एक से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी होती है दो हो गई, क्या 3 से 20 हमारा डिवाइड होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो 3 इसका अपवर्तक नहीं होगा, है ना। 3 इसका अपवर्तक नहीं होगा। 4 इसका अपवर्तक होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, 4 5 20, ठीक है। 5 4 20 हो गया, क्या इसका 6 अपवर्तक होगा? नहीं होगा। इसका 7 अपवर्तक होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। क्या इसका 8 अपवर्तक होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, ठीक है। 5 के बाद आपका जो ये अपवर्तक होगा वो डायरेक्टली आपका 10 होगा, ठीक है। 10 के बाद इसका जो फाइनली अपवर्तक होगा वो लास्ट की संख्या यानी 20 होगी।
अब मुझे एक चीज बताएं, क्या 20 के अलावा जो है, 20 के जैसे 1, 2, 4, 5, 10 और 20, क्या इसके अलावा कहीं से 20 किसी और संख्या से कट रहा? आप कहेंगे नो, किसी संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो क्या ये चीजें आप, मैंने आपसे कहा जैसे आपको इस तरह से नहीं आ रहा, ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपनी परिभाषा खुद बनाकर लिख सकते हैं अगर जैसे आपको ये आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम कहें 78 की, मैंने कहा आपसे 78 के आप अपवर्तक लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, सवाल इस बात का उठता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप इसी तरह से इनको भी कर लीजिए। देखिए पहले तो इसका एक होगा, ठीक है, एक तो दो होगा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 4 1 के 4 38 नहीं कटेगा। ठीक है, इसका अपवर्तक होगा 3 हो गया, 3 के बाद इसका 6 1 के 6 6 3 18 होगा, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी तो कतई नहीं हो सकता, 11 12 6 72, 13 6 78 होगा। ठीक है, इसका अपवर्तक जो है 13 होगा। अगर हम 13 के बाद बात करें आपसे जो है 26, नहीं 26 भी नहीं होगा। ठीक है, बात करें हम 39, 39 दूना आपका 78 होगा। ठीक है, 78 आपका होगा, और लास्ट सॉरी 26 39, ठीक है, 39 के बाद आपका 78 होगा। इसके बीच में अगर कोई संख्या होगी तो आप खुद जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जल्दबाजी में हो सकता है कहीं से कोई छूट जाए, तो वो अलग का मामला है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आप बात करें 64 का, अब आप कह सकते हैं कि 78 के जो डिवीजर होंगे या अपवर्तक होंगे, ये इतनी संख्याएं हो सकती हैं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 64 का आप अपवर्तक लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके डिवीजर कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये आपका काम है, अगर आप इन दोनों को समझ गए होंगे तो इसे बताने में आपको कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, और नहीं समझोगे तब तो भैया समस्या तो होगी, वैसे इसमें समझने की कोई बात है नहीं। ठीक है, इसलिए आप मुझसे बताइएगा। अब डिवीजर के बाद हमारा एक शब्द आता है महत्तम समापवर्तक, जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। अभी एलसीएम वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है, अगले वीडियो में हम एलसीएम भी लेंगे। तो सवाल देखिए, एक ही वीडियो में सारी चीजों को फिनिश करना ये संभव नहीं होता है, वीडियो लंबा जाए कोई फायदा नहीं होता, वीडियो छोटा छोटा जाए आप देखिए कम से कम। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे महत्तम समापवर्तक क्या होता है, मींस इससे हम एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे हम एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम को हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां देखिए इसकी परिभाषा, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या हो सकती है, यहां थोड़ा सा हाँ आप देखिए, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को पूरा विभाजित कर सके। ठीक है, कहा जा रहा है जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या जो दी गई जो है दो या दो से अधिक संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहेंगे। अब फिर आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे देखिए, अब यहां देखिए महत्तम समापवर्तक के हमारे दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है जो है देख सकते हैं भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि, है ना। तो भाग विधि में क्या है, गुणनखंड विधि, हम दोनों विधियों को आपको बताएंगे। परीक्षा में डायरेक्टली अगर पूछ लेगा कि आप भाग विधि से बताएं, ठीक है, तो आप भाग विधि से करेंगे, अगर गुणनखंड विधि से पूछ रहा है तो आप गुणनखंड विधि से बताएंगे। वो उस वक्त तय करेगा जब आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि आप जो है गुणनखंड विधि से बताएं कि भाग विधि से बताएं। ठीक है, ये परीक्षा की बात है, परीक्षा में जैसे पूछेगा वो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों विधि से कम समझ लीजिए, ताकि आपको न भाग विधि से समस्या रहे और न ही आपको गुणनखंड विधि से रहे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये ऊपर आपको समझ में आया, वैसे ऊपर तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, आप स्वतः ही परिभाषा इसकी बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं भाग विधि का, है ना। हम कहेंगे 24 और 32 का, 24 और 32 का भाग विधि से HCF निकालें, ठीक है। HCF, इसे हम HCF भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। HCF इसे भी कहते हैं, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब आपको भाग आता है कि नहीं, तो थोड़ा सा भाग पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहरहाल आप इन्हें ध्यान दीजिए, आपको ध्यान इस बात का देना है, जैसे 24 और 32 की बात मैंने किया है, ठीक है। तो आप यहां 32 लिख दीजिए और 24 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं ये, हम बता रहे हैं आपको भाग विधि, है ना। तो देखिए 24 से के आपका 24 हो गया, 12 में से 4 के 8 हो गया, यहां ये कट गया, ठीक है। अब ये जो 24 आपने यहां लिखा है, अब आप 24 में भाग कर दीजिए, ठीक है। 24 में भाग कर दीजिए, 8 तिरिक 24 हो गया, यानी इसका जो HCF आ रहा है, आप इसके आंसर को लिख देंगे, इसका आंसर हमारा 8 आएगा। अब आप यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यही ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को, यही हमारी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, क्या इसके अलावा, ठीक है। अभी हम बात करें, आप गुणनखंड विधि से अगर निकालेंगे, जैसे आप निकाल सकते हैं किसी एक विधि होती है, आप जैसे एलसीएम निकालते हैं, अगर उस विधि से निकालें तब भी हमारा एक ही आएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, हम आपको बताएं, अगर यहां देखिए, अभी आगे उस पर हम चर्चा करते हैं, आगे मैंने उसे रखा भी है, तो अभी से कोई फायदा नहीं, आप पहले इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। 24 और 32 हो गया, ये तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है जो है 15 20 25, 15 है, 20 है, 25 है का HCF निकालने के लिए कौन से मेथड से, भाग विधि से, चूंकि हम भाग विधि की ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भाग विधि से अगर निकालेंगे, तो सबसे पहले ध्यान आपको इस बात का देना है, यहां आप 20 लिखिए, आप 15 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 15 एक के 15 आपका हो गया, सॉरी, 15 एक के 15 हो गया, यहां 10 में से 5 के 5 हो गया, यहां कट गया। अब फिर आपको क्या करना है, इस 15 को, ये वाले 15 को आपको यहां करना है, 5 तिहाई 15, अब ये पूरा कट गया, ठीक है। अब ये पूरा कट गया, अब आपको फिर आ रहा होगा कि भैया यहां तो हमारी संख्याएं बची थी 8, यहां आया था तो हमने 8 से पूरी संख्या को काटा, लेकिन अब यहां तो कुछ नहीं बचा है, अब हम किससे काटेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां दोनों संख्याएं कट जा रही है, तो जिससे आपने भाग किया है उसी संख्या से हमारी अगली संख्या कटेगी, ठीक है। जैसे यहां 25 है, 25 है, तो आप 5 से काट दीजिए, चूंकि यहां 5 है, ठीक है, आप 5 से काट दीजिए, 25 हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसका भी आंसर हमारा फाइनली क्या आएगा, आप कहेंगे 5 आएगा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे 5 आएगा, ठीक है। ये तो हमारी पहली विधि है, ठीक है। अब अगर खुदन खास्ता आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि आपको ये नहीं समझ में आया, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होगा कि आपको नहीं आया होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये विधि आपको आसान होती है। अभी हम गुणनखंड विधि आपको बताएंगे, एक दूसरी विधि है, वो विधि हम आपको बताएंगे, तो वो थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि जब बड़े बड़े अंक दे दिए जाते हैं तो वहां पर आपको समस्याएं होती है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। विधि कौन सी है, देखिए हम यही यही क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, 24 32 का। देखिए यहाँ 24 है और 32 है, अब आपको करना क्या है, सेम एलसीएम विधि से इसे निकालना है, आप काट दीजिए दो से, सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी छोटी संख्या से काटना है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी दो होती, अगर दो से नहीं कट रहा है तो आप तीन से काटेंगे, तीन से नहीं कट रहा है तो आप चार से काटेंगे, यानी
पहला डिजिट हमारा सबसे छोटा वाला होना चाहिए, यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ 12 है, 2 1 के 2, 2 6 12 हो गए, 16 2 32 है, ठीक है। फिर आप 2 से काटे, 2 6 12, 2 8 16 है। फिर आप 2 से काटें, 2 3 6 है, 2 6 8 है, ठीक है। फिर 2 से काटे, ये 3 हमारा नहीं कट रहा है, तो 3 सेम इसी तरह से लिख देंगे। ये 4 2 2 4 है, ठीक है। फिर इसे हम दो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अब यहाँ हम 3 से काट देंगे, ठीक है। ये हमारी आ गई 1 2, ठीक है। अब आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहां तो ये चीजें काट दिया है, ठीक है, लेकिन यही चीज आपको ध्यान इस बात का देना है कि मैंने गलत कहाँ किया है ना। ये तो हमारा एलसीएम निकल गया, यहां मैंने गलती किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। देखिए गलती कहाँ हुई है विचार करेंगे, जो मैंने यहां पर 3 और 4 को अलग संख्याओं से काटा है, जैसे ध्यान आपको यही देना है कि जब भी हम म से निकालेंगे, मीन्स एचसीएफ, जब भी हम इस मेथड से निकालेंगे तो दोनों संख्याएं एक ही संख्याएं से कटनी चाहिए। जैसे मैंने 12 और 24, 24 और 32 को 2 से काटा है, ठीक है। फिर 12, यहाँ 24 और 32, 12 और 16 को हमने 2 से काटा है, 6 और 8 को हमने 2 से काटा है। अब क्या इसके बाद, ठीक है, क्या इसके बाद जो हमने लिया है जो है 3 और 4, यहीं से हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है, यहीं से हम इसे इरेज कर देते हैं। क्यों इरेज कर रहे हैं, अभी हम आपको उसका भी रीजन बता रहे हैं, ठीक है। उसका भी रीजन, कारण ये है, इसलिए हमने इरेज किया क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों संख्या, ये जो हमने लिखा है 3 और 4, ये 3 एक सिर्फ 3 से कटेगा और 4 2 से भी कट रहा है। मेरे कहने का सेंस ये है कि एचसीएफ अगर इस मेथड से हम निकाल रहे हैं तो ये दोनों संख्याएं सेम एक ही संख्या से कटनी चाहिए। जैसे 6 और 8 को मैंने 2 से काट दिया है, और ठीक है 6 और 8 को मैंने 2 से काट दिया है, देखिएगा 2 से काटा। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि 3, तो 3 अलग संख्याओं से कटेगा, 4 अलग संख्याओं से कटेगा, तो आपका क्या होना चाहिए, बस यहीं पर आप इसे एंड कर दीजिए, ठीक है, यहीं पर आप इसे एंड कर दीजिए। अब इन्हीं का गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आया, 2 2 4 2 8, आपका आया कि नहीं आया, 8 8 यहां भी आया है, 8 यहां भी आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी, ये जो थोड़ा सा डाउट आपका बचा हुआ वो भी हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। 15 32, 15 20 25, आपका 15 है, 20 है, और यहां आप 25 कर दीजिए, ठीक है, आप पाई खींच दीजिए इस तरह से। अब आप किससे काटेंगे, ठीक है, मैंने कहा आपसे सबसे छोटी छोटी संख्या से आपको काटना है, बाकी अदरवाइज आपको किसी संख्या से नहीं काटना है। जैसे 3 से तो ये हमारी संख्याएं कटेंगी नहीं, ठीक है भाई, 3 से संख्या हमारी 15 15 तो कट रही, 20 नहीं कट रहा, 25 नहीं कट रहा, ठीक है। 4 से तो 20 कट रहा, 2, देखिए सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, तो 2 से हमारा सिर्फ 20 कट रहा है, 3 से हमारा सिर्फ 15 कट रहा है, 4 से हमारा सिर्फ 20 कट रहा है, 5 से हमारी सारी संख्याएं कट रही, 5 3 15, 5 6 20 25 25, ठीक है। तो देखिए 5 3 15, 5 6 20 और 5 25। अब इसके बाद अगर हम चाहें, ठीक है, अभी अगर हम एलसीएम निकालते होते तो और नीचे तक हम हल करते हैं जाते हैं, लेकिन और नीचे आपको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम निकाल रहे हैं एचसीएफ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा आपसे जब भी तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कटनी चाहिए, तो अब ये तो 3 से कटेगा, ठीक है, एक बार 3 से काटेंगे, एक बार 4 से काटेंगे, एक बार 5 से काटेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, सवाल हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप इसका आंसर लिख दीजिए, आंसर हमारा 5 आ रहा है, ठीक है, आया कि नहीं आया, 5 5 आपने यहां भी लिखा है, 5 आपने वहां भी लिखा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं, आप मुझे बताइएगा, बट उसे भी हम थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। जो है 923, जो है 923 है, ठीक है, और 949 है, 949 है, एचसीएफ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे यहां
मैंने कहा आपसे 923 और 949, तो क्या आप उल्टा थोड़ी ना करेंगे कि जैसे अभी हम 949 अगर इस तरफ लिख दिए होते और 923 उस तरफ लिख दिए होते, ऐसा नहीं करते कि हम 923 में 949 से भाग करते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करिएगा। 949 है, ठीक है, 949 आप करेंगे भागे आप 923 कर दीजिएगा, एक बार आपका जाएगा, ठीक है, एक बार गया 923 आपका आया, ठीक है, 923 है, 9 में से 3 गए 6 आपका हो गया, यहाँ बचा जो है 4 में से 2 गए 2, हाँ ठीक है, यहाँ आपका आ गया 26, ठीक है, आपका 26 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप 923 में आप भाग कर, हाँ सॉरी, 923 में आप भाग कर दीजिए, ठीक है, 923 में आप भाग कर दीजिए। अब आप भाग करेंगे तो 26 ध्यान दीजिएगा, 26 3 6 18, 3 2 6 1 7, हाँ ठीक है, 4 6 24, 4 हाँ गलत हो जाए, 3 से हम भाग करेंगे, 3 6 18 हमारा है, ठीक है, 3 2 6 1 7 हमारा 78 आ गया, 12 में से 8 गए 4 हमारा है, और यहाँ 8 में से 7 गए 1 आ गया, ठीक है, 14 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, आपका 14 आ गया, आपको अब क्या करना है, अभी हमारी दूसरी वाली संख्या बची हुई इसे हम उतार लेंगे, ठीक है, इसे हमने उतार लिया, 143 हमारा बन गया। अब 143 तो हमारा बन गया, अब कितने में हम भाग करेंगे, 4 6 24 4 2 8 5 से करेंगे, ठीक है, यहाँ 5 से हम करेंगे, 5 6 30 हमारा है, 5 2 10 3 13 130 आ गया, यहाँ 3 कर दीजिएगा जो है 1 कर दीजिए, उसके बाद यहाँ अब आप ये 26 हमारा है, अब आप यहाँ 26 कर दीजिए, ठीक है, 26 कर दीजिए, 13 दूने 26, ये इसका कट गया, ये कट गया, इसका जो फाइनली आंसर आ गया वो कितना आया, आप कहेंगे हमारा 13 जो है इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये भी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, बाकी अगर अब कोई कसर आपके लिए छूटा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा गुणनखंड विधि से बताते हैं, गुणनखंड विधि जो है, हालांकि अभी मैंने आपको ऊपर जो बताया है वही चीजें सेम है, ठीक है, देखिएगा गुणनखंड विधि थोड़ा सा समझ लीजिए, लेकिन एक चीज नोट कर लीजिएगा कि ये जो विधि मैंने आपको बताया है आपकी परीक्षा के लिए रामबाण विधि होती है, गुणनखंड विधि आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कैसे टफ पड़ेगा अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, यही संख्याएं हम फिर लेंगे 24 और 32, अब हम गुणनखंड विधि ये इसे हम इरेज नहीं करेंगे, ठीक है, 24 32 आप इधर 24 लिख दीजिए, इधर आप 32 लिख दीजिए, आप गुणनखंड विधि से करेंगे, तो गुणनखंड विधि में यही करना है कि पहली चीज तो 24 का आप गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है, 24 का गुणनखंड आप कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं, जैसे 24 का आप गुणनखंड कर दीजिए 24 से, ठीक है, आप इसी तरह से 2 12 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 6 12 हो गया, यहाँ फिर जो है 2 3 6 ये 3 है, ये गुणनखंड इसका हो गया। अब आप यहाँ लिखेंगे कैसे, आप यहाँ लिख दीजिए 2 गुड़े 3 गुड़े 3, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और लास्ट में हमारा 3 है, ठीक है भाई, यहाँ देख सकते हैं ये मैंने फैक्टर किया है गुणनखंड, ठीक है, तो यही चीजें यहाँ आपको लिखना है। अब आप 32 का इसी तरह से कर दीजिए, ठीक है, आप 32 का इसी तरह से कर दीजिए, 32 हमारा है, ठीक है, यहाँ 16 आ गया, ठीक है, यहाँ 8 आ गया, फिर यहाँ 2 चौका 8 आ गया, ठीक है, 2 दूना 4 है, अब यहाँ 2 1 के 2, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 16 दूनी 32, ठीक है, यहाँ आप जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, आया कि नहीं है, अब यहाँ भी करना है 2 गुड़ 2 गुड़ 2 गुड़े 2 गुड़े 2, कितनी बार है, 5 बार है, ठीक है, तो अब इतनी चीजें तो फैक्टर मुझे लगता है कि आपको आ ही गया होगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इनको आप जोड़े में बना लीजिए, जोड़े में कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ 1 2 3, 3 बार 2 है, इसमें भी आप 3 बार 2 ले लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपने ये कर लिया, फिर अगला आपने ये कर लिया, फिर अगला आपने ये कर लिया, ठीक है, ये जोड़ा आपका बन गया।
ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा है। अब आप नीचे इसी को लिख दीजिए, 2 × 2 × 2, लास्ट में आपका 2 × 2 = 4, 2 × 8, यही इसका आंसर आ गया 8। 8 इसमें भी आया है कि नहीं आया? आप कहेंगे जी भैया आया है। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से शब्दों में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से सीख भी रहे होंगे। ठीक है, बाकी अगर कहीं कोई कसर छूट रहा है तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, ये भी आपका हो गया। एक क्वेश्चन इसी बेस पर और हम आपको बताते हैं, ये जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन 15, 32, 25, ठीक है, आप यहाँ 15 कर दीजिए, यहाँ 32 कर दीजिए और यहाँ 25 कर दीजिए। ये गुणनखंड मेथड हमारा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप कर दीजिए, इनका भी फैक्टर आप करेंगे, कैसे करेंगे? फैक्टर तो हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम 15 का फैक्टर करते हैं, ऊपर आइए, दिखाई दे रहा है इन्हें ऊपर। ठीक है, 15 का फैक्टर हम करते हैं, इसी तरह से कर दीजिए, 10 × 6 = 15 है और यहाँ 5 है, 5 × 15 सिर्फ होगा। ठीक है, 3 × 5 होगा, कितना है ये? 20 वर्ग। ठीक है, ये हमारा 20 है। ठीक है, 20 का हम फैक्टर कर देते हैं, 20 का हम फैक्टर अगर करेंगे तो 2 × 2 = 20 है, 2 × 5 = 10 है, फिर यहाँ 5 है। ठीक है, देखिएगा, 2 × 2 × ये 5 हमारा है। अब हम 25 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 25 का फैक्टर अगर हम करेंगे तो ये तो डायरेक्टली सिर्फ 5 से ही कटेगा, 5 × 25 है और ये भी 1 है। ठीक है, 5 × 5 × 5 है। मैंने अभी आपसे बताया कि आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ जितना जोड़ा बन रहा है, मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही जोड़ा बताया, सॉरी 3 जोड़ा बताया। अब यहाँ कितना जोड़ा बनेगा? जोड़ा मतलब 2 संख्याएं, जैसे यहाँ 3 है, 15, 20, 25, इन तीनों में संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ किसका जोड़ा बन रहा है? सिर्फ आप कहेंगे 5 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 5 तीनों में कॉमन है, कॉमन संख्याएं आपको देखना है। ठीक है, क्या देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, इनमें कॉमन क्या है। तो क्या देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 3 3 और किसी में नहीं है, 2 × 2 × 5 है। ठीक है, 3 किसी में नहीं है, 2 भी किसी में नहीं है, 5 लेकिन तीनों में है, 25 में भी है, 25 में भी है, 20 में भी, 15 में, 5 5 5, ये 5 तीनों में कॉमन है। तो कॉमन को उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, यही इसका लास्ट में आंसर बच रहा है, यही ऊपर देखिए आंसर मैंने लिखा दिया है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं समझ सकता हूँ कि 25 से 30 मिनट का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहतर साबित जरूर होगा। ठीक है, बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स आपका बचता है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, गर्मियों की कंडीशंस को देख ही रहे हैं कितनी तेज है, तो आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।